ओहो आराम से आराम से। चलो आज आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो ऐसे शाबाश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यार अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। तो माशाल्लाह भाई मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जितना कहो कम उतना ज़्यादा अच्छा। बारिश हुई है माशाल्लाह, कल भी बड़ी बारिश हुई है, आज भी बहुत बारिश हुई है सुबह से। उसके बाद ये जो धूप निकली है ना, ये बड़ी फ़ायदेमंद है यार मुर्गियों के लिए, कि मुर्गियाँ सारी इसमें भीगेंगी, बैठेंगी, आराम करेंगी। ज़बरदस्त मौसम हुआ है। मुर्गे भी सारे एक्टिव हैं माशाल्लाह, परिंदे सारे एक्टिव हैं। कल टाइलोफर्सिन पिला दिया था इसीलिए कि अगर कोई हल्की फुल्की शिकायत हो या कोई। कि कोई बुखार शिकार हो जाए किसी को तो मसला मजीद बिगड़ जाता है, एक से सब हो जाएंगे, सारे इकट्ठे रखे होते हैं। तो माशाल्लाह दवाई पिलाने का फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। अब इनको कल जेंटोल पिलाऊँगा पेट शेट के लिए, इनकी जिनकी भी ग्रोथ रुकी हुई है सबकी ग्रोथ भी एक्टिव हो जाएगी और पेट शेट भी साफ़ हो जाएगा। बोले तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक किसी के कोई भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एहतियात के लिए पिलाना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं परिंदे धूप सेक रहे हैं, जिसका जिधर लग रहा है वो उधर बैठ ही जा रहा है धूप में, और धूप सेकने वाली भी है। धूप सेकनी भी चाहिए, हड्डियों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। आज आपके भाई ने नया मुर्गा लेने है, नया मुर्गा लेने जाना है। एक भाई ने बुलाया तो है, देखिए अब क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगर जो तो अच्छा लगा, मुनासिब में पसंद आ गया भाई को, तो फिर तो मुर्गा ले जाना है। पर वो जोड़ा दे रहा है, मुझे जोड़ा नहीं चाहिए। वो मुझे कह रहा है कि भाई जोड़ा है, मुर्गी और मुर्गा दोनों साथ हैं और अंडे भी दे रही है मादी, यानी कि तकरीबन सवा साल डेढ़ साल का मुर्गा और मादी है। पर मैंने उसे कहा कि यार मुझे मादी नहीं चाहिए, मादी तो मेरे पास है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यार चलो दाता हूँ, चीज़ पसंद है, क्योंकि उसने मुझे कहा तो ये मुर्गा पसंद आएगा। मुर्गा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से मुराद ये है कि मतलब जो लोकल वगैरह होते हैं ना उनसे कई दर्जे अच्छा मुर्गा, उसने मुझे कहा है। उसने कहा तू एक बार आ, आके तू देख, तुझे चीज़ पसंद आएगी तो तुझे लेके देंगे, वरना नहीं हमने देनी भाई। मैंने कहा ठीक है चलो, तो मैं आज उसकी तरफ भी चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह, देखते हैं उसकी चीज़ हमें पसंद आएगी तो हम ले आएंगे। फिर आप भाइयों के लिए वीडियो लेके आएंगे, तो वीडियो का इंतज़ार करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि हाँ भी हमने अपने भाइयों के लिए वीडियो बनाई है और हमारे भाइयों ने हमें प्यार दिया है कि नहीं दिया। बाकी छत पे तो काफ़ी गंदी हो रही है, कीचड़ कीचड़ हो गई है, क्योंकि इनके लिए मैंने मिट्टी वगैरह बखेरी होती है जिस पे ये उधम मस्ती करते हैं, उधम मस्ती करते रहते हैं। सिंधी जोश में आया हुआ है, सिंधी को भी खोला है माशाल्लाह, वो भी एक्टिव है। धूप शूप से कहेंगे उसको भी, नीचे धूप आ रही है फिलहाल तो, पर अभी तो वो फ़िलहाल टहल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार वो खुद ही धूप में बैठ जाए, मुझे उसको ज़बरदस्ती बैठाना ना पड़े। तो खैर उसकी मर्जी है भाई, वो नहीं जाना चाहता धूप में। नहीं देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरती देखें सारे परिंदों की माशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह हमारा दिन ब दिन लंबा हो ही जा रहा है, उठान पकड़ ही जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यार जितना कद हो सके पकड़े ही है, क्योंकि देसी भी किसी किसी का कद अच्छा लगता है, हर किसी का नहीं लगता। जब मेरे पास लास्ट टाइम चिट्टा था वो भी माशाल्लाह बड़ा ऊंचा था, और ये वाला भी माशाल्लाह देखें आप, खुद देखें आप माशाल्लाह। ये जब से उत्तर बाहर आया ये तो भाई मुर्गियों के ही दवाले हो गया है, पता नहीं कौन सी अफीम खा ली इसने सुबह सुबह। इसको मारेगा कालू, क्योंकि कालू कालू भाई कालू लड़ाका, कालू से ये डरता है। कालू बेशक कदम इससे छोटा है, पर कालू छोड़ता नहीं है इसको। कालू मारा फुल टैट एंड टैट मुर्गा है, उछल उछल के पड़ता है। अभी तो हमने ये देखना है कि हम जो नया मुर्गा लेके आएंगे उससे हमारा सिंधी लड़ता है कि नहीं लड़ता, हमारा ये देसी मुर्गा लड़ता है कि नहीं लड़ता, हमारा कालू लड़ता है कि नहीं लड़ता। वीडियो हम आपके लिए लाएंगे ज़रूर भाई, वीडियो नहीं हमने मिस करनी, बस आप लोग इसी इतना सपोर्ट करें भाई को, प्यार दिखाएं अपना हर वीडियो पे, ताकि भाई को पता लगे कि हाँ भाई को फुल सपोर्ट मिल रही है भाई,
वीडियो रोज रोज नई से नई लेके आए, आप सबके लिए ही लाएंगे। माशाल्लाह परिंदे वगैरह सब खुश हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं। हमारा सिंधी भी बैठा हुआ नीचे खा पी रहा है, मौजे हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना शानदार मोबाइल वाले, दूध पत्तियां चल रही हैं भाई, इधर भी छत में मट्टी मट्टी छट्टी चल रही है, दाने शाने चल रहे हैं, याशियां चल रही हैं, फुल फुल याशियां कराई हैं फुल। देखें जी माशाल्लाह सावी हमारी लेट गई है, गलती हमसे यह हुई है कि हम पहले से समझते थे कि ये चूजा है, पर ये तो चूजी है, ये निकल गई है मुर्गी। पर अच्छी बात है यार, हमें क्या चाहिए, ये जो सावी है वो भी हमारी मुर्गी निकल गई है। मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं, मुर्गियां हैं तो मुर्गियां ही सही, ऐसे ही सही। वो देखें जी माशाल्लाह पिंजरे पे सावी लेटी हुई है, फुल मस्ती में धूप खींच के ले रहे हैं सारे के सारे। इनको दाना वगैरह डालते हैं यार, चलते हैं फिर इंशाल्लाह काम पे। बैठी रहो बैठी रहो, डर गई है माश पट्टी, डर गई है मेरे से पट्टी, डर गई है पट्टी को, लग रहा है कि शायद मैं उसे पकड़ रहा हूँ पर मैं उसे पकड़ नहीं रहा, गीली हो रही है ऊपर से। चलो सेकेगी तो सेट हो जाएगी, दो चार मिनट बैठेगी धूप में तो सेट हो ही जाएगी। अंडा आज कोई नहीं दिया हुआ, कल दिए हुए थे, कल तीन अंडे निकाले थे मैंने खुड्डे में से, आज कोई नहीं निकाला। चलें इस खुड्डे में देखते हैं कि शायद इधर कोई दिया हुआ अंडा, क्योंकि इधर भी कभी कभी आ रहा है, क्योंकि जो हमारा ये जो देसी मुर्गा है बच्चा जो है ये क्रॉस कर रहा है मुर्गियों के साथ। नहीं इधर भी कोई अंडा नहीं है, ये देखें माशाल्लाह ये भागेगा, जंप लगाएगा, ये भागता ही है। सबसे पहले डरपोक पता नहीं कहाँ से आ गया हमारे पास, कुछ हो ना हो इसने जंप सबसे पहले लगानी है। कद घोड़े जितना निकाल लिया है और जिगरा जरा भी नहीं है इसमें, डर ही जाता है। कद माशाल्लाह देखें कितना निकाल लिया है, पर डरता पता नहीं क्यों, अभी भी बहुत डरता है। डरने की नहीं मुझे इसकी अभी तक समझ लगी कि ये क्यों डरता है इतना, या इसके दिल में डर बैठा हुआ कालू का, बस और बात कोई नहीं है। देख रहे माशाल्लाह कालू इसकी टांगों से थोड़ा सा ऊपर आता है बस, और ये माशाल्लाह हमारी सील मुर्गी से भी लंबा हुआ पड़ा इस वक्त। मेरी सील मुर्गी का कद कोई छोटा कद नहीं है, बहुत बड़ा कद है, पर पता नहीं क्या मसला इसे। चलो खैर उसकी मर्जी यार, ऐसे तो ऐसे ही सही, हो सकता है इकट्ठे रहे हैं शुरू में, कालू ने दबा के रखा उसे, इस वजह से मैं भी डर गया। अब अलग रह रहा है, अब खुद ही ठीक हो जाएगा, दो चार हफ्ते लगेंगे सेट होने में। फिर एक बारी तो जोड़ लगाएगा कालू के साथ ना, एक बारी जोड़ बड़ा जबरदस्त लगना इनका, क्योंकि मेरे पास पहले भी दो देसी मुर्गे थे, एक माल्टी था एक और वाइट था। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, यूट्यूब ने स्ट्राइक लगा देनी, तो वो भी इसी तरह ही थे कि वो जो चीटा वाला था वो इसी तरह कदम में लंबा था, और जो माल्टी था वो कालू की तरह मेरे छोटा था कदम में, पर उसने माल्टी वाले ने चीटे वाले को दबा के रखा होता था, जब भी वो मुर्गियों के पास आता था तो माल्टी वाला चीटे वाले को मारता था। पर मैंने एक दो हफ्ते उसको अलग रखा, उसके बाद मैंने छोड़ा,
तो माल्टी वाले ने चिट्टे को मारा तो चिट्टे वाला सीधा हो गया। कोई 5 से 6 मिनट की लड़ाई हुई, आपको पता देसी इसी इतना ही लड़ते हैं, 5 से 6 मिनट की इनकी लड़ाई हुई है। उसके बाद क्या हुआ जी, माल्टी दौड़ गया क्योंकि चिट्टे का वजूद भारी था, कद अच्छा था, पंजे बहुत बड़े थे, तो उसने उसके 2-4 दफा मुँह पे मारे हैं पंजे। मेरा माल्टी मुर्गा घबरा गया और चक्कर खा लिया था उसने, और फुल खूनम खून हुआ हुआ था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खूनम खून हुआ हुआ था, उसकी सारी ताज ये वो हर चीज़ फट गया था तकरीबन सारा ही। तो फिर मैंने कहा यार क्या इनको क्या करना, चलो उनकी जो फैसला होना था हो गया, पता लग गया मुझे कि चिट्टा में बस वक्ती तौर पर डर था, चिट्टा सेट हो गया। मैंने फिर इस तरह करके छोड़ दिया उनको, फिर मैंने अलग अलग करवा के, फिर मैंने माल्टी को वब दोनों की सुलह करवाने के लिए इकट्ठे खोलता था, पर ये था आपको पता जब मुर्गे के एक के दिल में डर हो जाए तो वो भागता ही भागता, तो उसको देख के चीखे मारता था और बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीखता था। तो फिर मैंने बेच दिया कि यार नहीं यार ये तो हर वक्त चीखता ही रहता है, और वो चीखता भी थोड़ा नहीं था, हर वक्त चीखता था, हर वक्त का चीखना भी अच्छा नहीं होता मुर्गे का। मैंने फिर इसलिए सेल कर दिया कि नहीं यार मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि शोर से तो मैं वैसे ही, शोर वाले मुर्गों से तो मैं वैसे खुद भी घबराता हूँ इतना। ये देखें ये इसलिए डरता है ना, कालू ने इसे उछल के मारा। सेम ऐसे ही वो भी था, मुर्गियों के पास आता था तो वो माल्टी भी मारता था। पर इनकी लड़ाई होनी है, अनकरीब इनकी लड़ाई होनी ही होनी है मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो पहले हल्का फुल्का जो है ना उसको देख के भाग जाता था, वो भागता नहीं है, वो बहुत कम आता है, तो लड़ाई इनकी होनी है। और मैं तो कह रहा हूँ हो जाए, एक बारी फैसला हो ही जाए इनका, तो ये तभी सेट होंगे, वरना ये सेट भी नहीं होंगे लड़ाई के दौरान ना। लड़ाई होएगी इंशाल्लाह, फिर हम वीडियो, हम भी उसकी भी वीडियो भी बनाएंगे, हम वीडियो हम हर बनाते हैं यार, पर अपलोड करते हुए ज़रा इशू होता है, क्योंकि आपके भाई को 2 स्ट्राइक लग चुकी हैं, 1 स्ट्राइक लग गई तो आपका चैनल, आपके भाई का चैनल ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग इतनी मोहब्बत शोहब्बत दिखाते हो, वो मोहब्बत कहाँ पे दिखाओगे भाई, कहाँ पे वीडियो अपलोड करेगा। नया चैनल बना के 6 महीने में माशाल्लाह भाई, आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने मुझे 1900 सब्सक्राइबर दे दिया, वरना 1900 सब्सक्राइबर 6 महीने में मुमकिन ही नहीं होता। बहुत कम मैंने देखे हैं जिनके इस कॉन्टेक्ट को लेके, मुर्गियों वाले को कंटेंट को लेके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बढ़े हैं डेली के 8-10 आ जाते हैं, और हमें क्या चाहिए, हमें तो ये भी नहीं पता हमारी कौन सी वीडियो फॉर यू पे लगी हुई है जिसकी वजह से सब्सक्राइबर आते हैं। भाई जा रहे हैं, हम तो 10-12 व्यूज़ में खुश हो जाते हैं कि यार चलो 10-12 व्यूज़ हैं, भाई हैं भाई, इतना ही प्यार दे रहे हैं यही बहुत है। बाकी यार आप लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको दाना वगैरह डाल के इनको मैं करता हूँ बंद।